सोला संख पर हमरा तकिया हम गगन मंडल के जंदा हुक्म हिसाबी या चल आए काटन काल का फंदा। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्धतास का जठरग्नि प्रतपाल। गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहाँ सतगुरु का ही रोल करते हैं, और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है, और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में जहां वो गव्वें चरा रहे थे। उसमें उनकी आयु 10 वर्ष की थी। सन 1717 में संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में। जब वो 10 वर्ष के हुए अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गए हुए थे, साथ में अन्य 10-12 पाली गवाले उनके साथ सहयोगी थे, और कुछ अन्य गांव के व्यक्ति अपनी गौओं को उन्हीं गरीबदास जी के ही जंगल में खेतों में चराने के लिए लेकर गए हुए थे, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी वैसे तो गांव क्रौथा के रहने वाले थे, लेकिन इनके कोई मामा नहीं थे, इनकी माता श्री के कोई भाई नहीं था, इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ अपनी ससुराल छुड़ानी में वहाँ रहने लग गए थे। वहीं जाने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। दिन के 10 बजे थे, वो परमात्मा जो लीला करते हैं वो लीला करते ही ऐसी हैं, और इसके गवाह चारों वेद हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से लेकर 20 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 29 के मंत्र नंबर 25 में, यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है सभी लोकों के ऊपर, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश करने की इच्छा से, वो कबीर देव नाम है उस परम पिता का, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब बोलते हैं, तो उसी अपने गुण अनुसार जो वेद गवाही देते हैं। तो पुण्यात्मा, हम वेदों को सत्य मानते हैं,
सभी किसी भी, वैसे तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वेद एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान है और परमात्मा की महिमा का गुणगान है, और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। और वेद पांचवा वेद है, सूक्ष्म वेद है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वेद कहो ज्ञान कहो, तो तत्व ज्ञान है वो, तत्व वेद है वो, सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा के पाणी की महिमा कंप्लीटली लिखी हुई है, और इन चार वेदों के अंदर महिमा तो परमात्मा की है लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है, वो सत साधना उनमें वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे, वहाँ एक आजकल का मौसम, जैसे आज का मौसम है, दिन के समय में 10 बजे खूब गर्मी सी हो जाती है और सभी ग्वाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, तभी परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कहते हैं गरीबदास जी ने बताया है कि एक क्षण में यहाँ पर है, एक क्षण में प्रलय पार, वो परमात्मा एक सेकंड के भी कुछ अंश के अंदर यहाँ विद्यमान हो जाते हैं, एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके, और रस्ते रस्ते आ रहे हैं जैसे यात्री किसी दूसरे गांव को जा रहा हो। उस रस्ते के ऊपर ही वो जंडी का पेड़ था, जब महात्मा जी निकट आए तो राम राम कहा सभी पालियों ने, परमात्मा ने भी उत्तर दिया। पाली खाना खा रहे थे, सभी ग्वाले, उन्होंने कहा महाराज भोजन पालो, आओ बैठो, उनके लिए एक वस्त्र बिछा दिया, चादर बिछा दी। परमात्मा विराजमान हुए, वो तो आए उसी उद्देश्य से थे, वो ना कहते तो भी उन्होंने तो बैठना ही था वहाँ उनके पास आकर के। वो तो अपने कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि अपनी अच्छी आत्माओं को जो मेरे लाल हैं, मेरे बहुमूल्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनको खोजता फिरता हूँ, कभी स्वर्ग में जाता हूँ, कहीं पाताल में पहुँच जाता हूँ, कभी पृथ्वी के ऊपर उनको तत्व ज्ञान से जगाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा भी मैं खाना खा के आया हूँ अपने गांव से। बच्चों ने पूछा जी आपका गांव कौन सा है, क्या नाम है आपके गांव का। परमात्मा ने बताया मेरे गांव का नाम सतलोक है, सत्यलोक है। कितनी दूरी पर है, तो परमात्मा ने वाणी बोली 16 संख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जंदा, हुक्म हिसाबी या चल आए काटन काल का फंदा। 16 संख कोस की दूरी पर हमारा तकिया है, हमारा सिंहासन है, और हम गगन मंडल के अंदर भी घूमने वाले जिंदा महात्मा हैं, यहाँ यहाँ नहीं, और हम काल के फंद को काटने के लिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं। बच्चों ने सोचा कि होगा कोई 16 कोस दूर पर कोई गांव, क्योंकि पहले इतना एक दूसरे से परिचित लोग नहीं थे, गांव को नहीं जानते थे, दूसरे गांव को, दूर देश के गांव को। तो उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया, फिर कहा महाराज जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो बच्चों मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ,
जो बड़े बड़े पाली थे उन्होंने कहा कि बाबा जी तेरी नीत ठीक कोनी, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, कुंवारी गायें कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देख लो भाई, दूध पिलाना है तो कुंवारी गायें का पिया करूँ मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी 1.5 वर्ष की लगभग, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, अभी तक वो गर्भ धारण नहीं किया था, उसको कुंवारी बछिया कहते हैं। उसको पकड़ कर लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी अपनी बछिया के, अल्लाह के खड़ी कर दी, कहा भगवान हे महाराज जी ये दूध कैसे देगी, इसका बच्चा भी नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक पात्र लाओ। तो वो पात्र लाए, अपना जो मटका था छोटा सा 5-4 किलो का छोटा सा, उसको ब्रोला बोले मिट्टी का, उसको धो मांज रखा था, साफ कर दिया और कहा इसके थनों के नीचे रख भाई, अभी दूध देवेगा तुम्हारे सामने। अब गरीबदास जी उस पात्र को, उस मिट्टी के छोटे से मटके को पकड़ कर बैठ गए, जैसे दूध निकालते हैं नीचे रख लेते हैं बाल्टी को। परमात्मा खड़े हुए, बछिया के कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंद गई, वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास जी ने वो पात्र परमेश्वर को थंबा दिया, के लिए महात्मा जी आपकी महिमा अपरंपार है, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया। उस परमेश्वर ने, कबीर साहब जी ने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी वहाँ उपस्थित सभी ग्वालों से कहा कि ले पालियो, ये अमृत है बेटा, इसको पी लो, ये यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है इस पवित्र पशु के माध्यम से। तो उन्होंने जो अन्य पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष के आयु के, वो तो उठ कर चले गए कि हम नहीं पीवा, पाप का दूध है, कुंवारी गाँ का दूध निकाल दिया जा दूध अंतर करके। और फिर दूसरे, तूने झूठा कर दिया, तेरी जात का पता नहीं, तू कौन जाति का है। उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। दुर्भाग्य कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावे नाही। गरीबदास जी ने कहा कि लव महाराज आपका आपका अमृत, आपका झूठा दूध है भगवान, कब कब मिले हमें, और जितना पीना था वो पी लिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी प्रेरणा और परमात्मा का मिलन हुआ करता है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, 10 वर्ष के बालक को लगे ज्ञान समझाने, सृष्टि रचना सुनाई और कहा बच्चों तुम सभी सतलोक में थे और आप यहाँ इस काल के जाल में फंसे हुए हो। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान वहाँ ऐसा स्थान बता रहे हो आप कि कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती और वहाँ कभी सूखा नहीं गिरता, क्योंकि जिस समय गरीबदास साहेब जी छुडानी गांव में जन्मे थे वहाँ पृथ्वी थी मरुस्थल जैसी, राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा, और वहाँ हर एक चीज़ का अभाव रहता था। वर्षा हुई तो खाने की ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूं तो कभी देखा भी नहीं था। परमात्मा ने बताया कि वहाँ बिन बादल वहाँ वर्षा हो है। और असंख्य वहाँ पर जो है कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना गर्मी है ना पाला है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और सदा बाहर पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं,
और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहाँ के, यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहाँ पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक महित घूम रही हो, परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहाँ दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा, क्या भगवान वो खराब नहीं होते, क्योंकि यहाँ तो दूध ऐसा है दो घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहाँ दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा, नहीं बेटा, वो अमर पदार्थ हैं। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से, और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से यह गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पर। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा, अब उसको साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो, वहाँ से नीचे आई, फिर वहाँ से नीचे वाष्प बनकर या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहाँ सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं, ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु के उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में, लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था, इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे हम जीवों के लिए, अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हों, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सकें कि कबीर इज गॉड।